नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की 27 अगस्त को अंडाला डिफेंस कॉरिडोर में होने वाली जनसभा जो 27 तारीख को होने वाली थी उसे बढ़ाकर 28 अगस्त कर दिया गया है। और योगी आदित्यनाथ कल 28 अगस्त को अलीगढ़ के खैर में अपने जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज से 2 दिवसीय हरियाणा दौरे के दौरान अंबाला, विभानी और रोहतक में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे वाले बयान पर अब अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत है और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत है। बिहार की नीतीश सरकार राज्य में मुफ्त चश्मा योजना शुरू करने जा रही है। इस स्कीम के तहत सरकारी अस्पतालों में आंख की बीमारी के मरीजों को मुफ्त में चश्मे दिए जाएंगे। यहां इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य समिति को सौंपी गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम की बड़ी कार्रवाई, ई सिगरेट और बटनदार चाकू बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, 11 लोगों को भी किया गिरफ्तार। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने क्षेत्रीय पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब ये पार्टियां खत्म हो गई है, भाजपा का मुकाबला कांग्रेस के साथ है। विज ने आगे कहा कि कांग्रेस ने इतने पाप किए हैं कि हम उसे आसानी से चित कर देंगे। उत्तराखंड के युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में राज्य के नियोजन विभाग को देश की नामी कंपनी टाटा ग्रुप से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें टाटा ने तमिलनाडु और कर्नाटक स्थित अपने प्लांट के लिए उत्तराखंड की 4000 महिला अभ्यर्थियों को NPS एवं NATS कार्यक्रम के अंतर्गत जॉब देने की जानकारी दी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। किसान मोर्चा ने भाजपा सांसद कंगना रनावत को अपने अनुचित और गलत बयानों के लिए भारत के किसानों से बिना शर्त माफी मांगने और अपने पद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि कंगना के ऐसा न करने पर हमारे पास उनके सार्वजनिक बहिष्कार का आह्वान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। शाम दिल्ली पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की। वहीं देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी बातचीत हुई, जहां खबर है कि उन्हें भाजपा में शामिल होने के हरी झंडी मिल गए हैं और वे आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। BSP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जहां BSP सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद का पद बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। माना जा रहा है कि आगामी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी आकाश को दी जाएगी। से हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी जिसमें आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इसके साथ ही BRS नेता के कविता की जमानत पर भी सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में हर साल कृष्ण जन्मोत्सव के अगले दिन दही हांडी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे आज भी मनाने के लिए पूरा मुंबई तैयार हो चुका है और यहाँ पे अलग अलग टोलियाँ मटकी फोड़ने की तैयारी में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सीटों को लेकर बनी सहमति, 5 सीटों पर दोनों दलों में होगी फ्रेंडली फाइट। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समिति ने किया ममता सरकार का विरोध, कोलकाता हत्या मामले के बाद अनुदान लेने से भी किया इनकार।
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को सोमवार को ढह दी गई। इस प्रतिमा का पिछले साल दिसंबर में पीएम नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया था। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भारी बरसात के बाद पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की प्राथमिकता को अधिकारियों से बात करते हुए निर्देश दिया। उन्होंने इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ एवं स्थानीय पुलिस को सहायता से लोगों को रेस्क्यू करने को कहा। राजस्थान के भिलवाड़ा शहर में एक मंदिर के पास गाय की पूंछ का कटा हुआ हिस्सा पाए जाने के बाद सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया है, जिसके बाद दुकानदारों ने सोमवार को दुकानें बंद कर दी। पुलिस पर पथराव किया गया, साथ ही पुलिस ने उन पर पथराव कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां चलाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आने वाले 28 अगस्त को सरायकेला खरसावां स्थित फुटबॉल मैदान में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र बांटेंगे। इसको लेकर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में फिर फेक इनकाउंटर का मुद्दा उठाया गया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई लेवल जांच की भी मांग की गई है, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही। उत्तर प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को एक संदेश देते हुए कहा कि जो यहां खाता है और बाहर का बजाता है ये नहीं चलेगा, भारत में रहना होगा तो राम कृष्ण की जय कहना होगा। बीजेपी सांसद और एक्टर कंगना रनावत ने किसान आंदोलन को लेकर अपना जो बयान दिया था उसके खिलाफ किसान एग्रेसिव हो गया है, वहीं बीजेपी ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। इसे कंगना का निजी बयान बताया और भाजपा सांसद को भविष्य में इस तरह का बयान न देने की हिदायत दी है। ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।